सीनियर सहाफी और तजियाकार सलीम साफी के मुताबिक नवाज शरीफ की बीमारी हो या इमरान खान की बीमारी या गोली लगने का मामला, मैं अपने उसूल के तहत इस पर बात नहीं करता। इस मामले में मुतअद्दिद लीडर या फिर इनके घर वाले जो कुछ कहते हैं हमें इस पर यकीन करना पड़ता है, लेकिन जब इस तरह के मामलात सियासत की भेंट चढ़ जाते हैं या फिर इस इन्हें सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो फिर इस पर राय जनी मजबूरी बन जाती है। मसलन जब मियां नवाज शरीफ की बीमारी के सियासी पहलू सामने आ गए तो मैंने इस पर भी बात करनी शुरू कर दी, और अब जब इमरान खान साहब और इनके साथी इस हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने बल्कि दूसरों की जिंदगियां खतरे में डालने लगे हैं तो मजबूरन मुझे इस पर बात करना पड़ रही है। और मैं अपनी बात शुरू करता हूं 2014 के धरनों से। आपको याद होगा इमरान खान ने न सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचने से पहले हुकूमत से वादा किया था कि वो आपारा से आगे नहीं जाएंगे, बल्कि आपारा में भी ऐलानात करते रहे कि मैंने चूंकि चौधरी निसार अली खान से वादा किया है इसलिए हम यहां से आगे नहीं जाएंगे। फिर अचानक एक रोज इमरान खान और ताहिरुल कादरी ने डी चौक जाने का ऐलान कर दिया और इस वक्त के वजीर दाखला चौधरी निसार अली खान ने पुलिस को रोकने का हुक्म दिया। पुलिस और पीटीआई या अवामी तहरीक के कारकुनों की लड़ाई शुरू हुई, लेकिन रात के वक्त अचानक पुलिस को हुक्म मिला कि कार्रवाई रोक कर इमरान खान और ताहिरुल कादरी को डी चौक आने दिया जाए। आम तासुर ये था कि ये चौधरी निसार अली खान के हुक्म पर हुआ, लेकिन सुबह पंजाब हाउस में मेरी और मेजर आमिर साहब की जब इनसे मुलाकात हुई तो वो गुस्से में आग बगोला थे और वजारत से इस्तीफा दे रहे थे। इनका कहना था कि रात को वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने इन्हें बाईपास करके इमरान खान और ताहिरुल कादरी को डी चौक आने और पुलिस को कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया, जो मेरे लिए शर्मिंदगी का मौजिब बना। तहकीकात से मालूम हुआ कि धरने का स्क्रिप्ट लिखने वालों ने धरने को नतीजा खेज बनाने के लिए कम अज कम 100 लाशें गिराने का प्रोग्राम बनाया था, और जब आईबी ने ये रिपोर्ट मियां नवाज शरीफ को दी तो उन्होंने इंसानी जानों का ज़िया रोकने के लिए रात गए सेक्रेटरी दाखला शाहिद खान के जरिए पुलिस को पीछे हटने और इमरान खान वगैरह को डी चौक आने के अहकाम चौधरी निसार अली खान को बताए बगैर जारी किए। 2014 के धरने के बारे में तो ये आईबी की रिपोर्ट थी, लेकिन इमरान खान के अब की बार के इस्लामाबाद आज़ादी मार्च के बारे में पहले से फैसल वाउडा जैसे रहनुमा खबरदार कर रहे थे कि ये मार्च खूनी होगा। बदकिस्मती से नवंबर के पहले हफ्ते में जब वो वजीराबाद से गुजर रहे थे तो इनके कंटेनर पर एक नौजवान ने फायरिंग कर दी, जिसमें इमरान खान तो जख्मी हो गए लेकिन इनकी पार्टी के एक कारकुन मौज़म गोंदल गोली लगने से जहां बाक हो गए। इमरान खान पर फायरिंग करने वाले नौजवान नवीद को मौके पर इमरान खान के एक जानिसार ने दबोच कर जिंदा गिरफ्तार कर लिया, और इन्हें इमरान खान और परवेज इलाही के जेरे कंट्रोल पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। इस तरह के मामलात में पुलिस सिर्फ सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट को कबूल करती और पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भी सरकारी अस्पताल से रिजू किया जाता है, लेकिन करीबी सरकारी अस्पताल जो जाहिर है कि इमरान खान की हुकूमत के कंट्रोल में है में जाने के बजाय उन्होंने शौकत खानम अस्पताल जाने को तरजीह दी। अगरचा वफाकी हुकूमत का इस मामले से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इमरान खान ने चूंकि पहले दिन से इसमें अपने सियासी मुखालिफीन को मुलव्वस करने की कोशिश की, इसलिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 8 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखकर दरख्वास्त की कि वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तियाब जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाकर इमरान खान पर हमले की तहकीकात करे, लेकिन वो कमीशन आज तक नहीं बना। इमरान खान ने हमले की FIR शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्ला और एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर के खिलाफ दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन इनके अपने वजीर आला ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अलबत्ता इमरान खान यानी परवेज इलाही की हुकूमत, जिसमें वजीर दाखला PTI के हैं, ने वकुआ की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी। ये JIT इमरान खान की परवेज इलाही हुकूमत के निस दर्जन पुलिस अफसरों पर मुश्तमिल है, जिसकी तश्कील किसी फर्द वाहिद ने नहीं बल्कि पंजाब काबीना के लॉ एंड ऑर्डर की स्टैंडिंग कमेटी ने इत्तेफाक राय से की, लेकिन इस JIT ने आज तक अपनी हतमी रिपोर्ट तैयार की है और ना कौम या अदालत के सामने लाई है। सवाल यह है कि 2 माह के अरसे में पंजाब हुकूमत की JIT अपने ही लीडर इमरान खान पर होने वाले कातलाना हमले की रिपोर्ट अब तक क्यों तैयार न कर सकी। इमरान खान दरमियान में इस्लामाबाद से पिंडी मुंतकिल होने वाले जलसे से खिताब के लिए आए, लेकिन यहाँ से फिर जमान पार्क चले गए।
जमान पार्क में वो रोजाना कोई ना कोई ऐसा बयान जारी करते या इंटरव्यू देते हैं जिसकी वजह से वो टॉक शोज का मौजू बन जाते हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए इल्जाम आयद किया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इन्हें कत्ल करना चाहते थे ताकि इमरजेंसी लगाने के लिए बहाना तलाश कर सकें, लेकिन अगले रोज सुबह वजाहती बयान जारी करके पीटीआई मुकर गई और जब शाम को उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इनका बराह रास्त नाम नहीं लिया और मियां शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्ला और फौज के बाद अफसरों को मौरूदे इल्जाम ठहराया। इसी तरह वो जीआईटी रिपोर्ट आने से कबल ये दावा कर रहे हैं कि हमला आवर एक नहीं बल्कि तीन थे। वो और इनके हामी अब एक सीसीटीवी फुटेज को भी अपने साजिशी बयानी के सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं जिसमें डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर अली शाह के हुक्म पर एसएचओ मुलजिम नवीद का इकबाली बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अगर मुलजिम नवीद का इकबाली बयान रिकॉर्ड कराना जुर्म है या फिर इसे पट्टी पढ़ाकर बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है तो ये डीपीओ गुजरात की निगरानी में हो रहा है जो न सिर्फ इमरान खान और परवेज इलाही के मातहत हैं। इमरान खान के वजीर आला चाहें तो इन्हें इसी वक्त मुअत्तल या सर्विस से बर्खास्त कर सकते हैं या कम से कम तबादला तो कर सकते हैं, लेकिन तादम तहरीर वो गुजरात के डीपीओ हैं जबकि इमरान खान साहब परवेज इलाही की बजाय दूसरी तरफ उंगलियाँ उठा रहे हैं।